कभी कैलकुलेट किया आपने आप अपने दिन का कितने परसेंट टाइम्स नेगेटिव सेल्फ टॉक में गुजारते हो? नेगेटिव सेल्फ टॉक क्यों भाई, क्यों अपने आप से नेगेटिव बातें करते रहते हो अपने बारे में, दूसरों के बारे में? क्यों, क्या मिलता है, क्या मिलता है? स्ट्रेस, डिप्रेशन, परेशानी। अपनी सेल्फ टॉक को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ, पॉजिटिव अबाउट अदर पीपल। अगर आप अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव नहीं कर सकते तो आप अपने रिलेशनशिप्स में पॉजिटिविटी नहीं ला सकते। रिलेशनशिप्स में पॉजिटिविटी नहीं आएगी तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आएगी। समझो इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से कई साल पहले एक ट्रेनिंग अटेंड की थी मैंने, उसका टाइटल था की टू हैप्पी रिलेशनशिप्स। एक ऐसी की जो आपके सारे रिलेशनशिप्स को हैप्पीनेस और हैप्पी रिलेशंस में कन्वर्ट कर देती है, वो क्या है? की टू हैप्पी रिलेशनशिप्स एक टाइटल था एक ट्रेनिंग का, लेक्चर का, मैंने अटेंड किया। उसमें जो की है वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक को पॉजिटिव कर लो। बिकॉज अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो और आपको पहले किसी ने बताया कि वो बहुत ही खड़ूस आदमी है और आप उसके बारे में सोचते जा रहे हो घटिया आदमी है, उसने मेरा इंटरव्यू ख़राब कर देना है, उसने ज़रूर मुझे फंसाना है, उसने ज़रूर मुझसे गलत सवाल करने हैं, वो बंदा ठीक नहीं। आपकी वाइब्स आपकी बॉडी से उस तक पहुंचेगी जब आप कमरे में एंटर होंगे। आप एक नेगेटिव वाइब्स क्रिएट कर लोगे अपने उसके दरमियान, क्योंकि आपके सेल्फ टॉक की, नेगेटिव सेल्फ टॉक की वजह से आपका माइंड जो सिग्नल भेज रहा है बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, आई कॉन्टेक्ट के थ्रू, आपकी वॉइस टोन के थ्रू, आपकी प्रेजेंस के थ्रू, वो नेगेटिव भेज रहा है। नेगेटिव एनवायरनमेंट में कभी पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं हो सकती। इसलिए सेल्फ टॉक को इम्प्रूव करो, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। अपने बॉस के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने कंट्री के बारे में, और सबसे ज़्यादा किसके बारे में? अपनी ज़ात के बारे में। क्यों खुद को कोसते रहते हो दिली दिल में, मैं ये नहीं कर सका, मैं वो नहीं कर सका, मैंने ये कर दिया, मैं नहीं कर। अपने बारे में पॉजिटिव क्यों नहीं होते? अपने आप को, छोटे बच्चे को शुरू से हम क्यों कहते हैं तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, क्यों कहते हैं? कि अंदर ये बात पैदा हो जाए, वो खुद को खुद कहे कि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत काबिल है, बहुत इंटेलिजेंट है। बच्चों को जैसे हम सिखाते हैं ऐसे ही अपने आप को भी सिखाओ ये बात, खुद को सिखाओ ये बात, अपने आप को, अपना रिलेशनशिप अपनी ज़ात के साथ इम्प्रूव करो।